नमस्कार आप सबको पंच पर्व की आई इंडिया परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे अवधी लोक साहित्य के वरिष्ठ रचनाकार लब्ध प्रतिष्ठित कवि जिन्होंने लोकगीतों को लोक साहित्य को अपनी कविताओं के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे रचनाकार श्रद्धेय फारूक सरल जी की रचनाओं को और हम सब उनके हास्य के अवधी गीतों से ठहाका लगाएंगे, आनंद लेंगे। मैं फारूक सरल लखीमपुर खीरी एक पैरोडी गीत प्रणाली पढ़ने जा रहा हूँ। इधर जो राजस्थान मणिपुर में सरकार गिराने के लिए विधायकों की बोलियाँ लगी, लेकिन दोनों जगह सौदा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, विधायकों ने क्या कहा, उस पर एक छोटी सी पैरोडी। पंजाबी सांग इधर बड़ा पॉपुलर हुआ, आप सबने सुना होगा। मैं किसी और कहूँ फिलहाल तेरा हो जाऊँ, कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊँ, कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, 25 करोड़ निकाल तेरा हो जाऊं, 25 करोड़ निकाल तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं, मंडी का माल बिकाऊ चाहे चचा खरीदे अताऊ, मंडी का माल बिकाऊ चाहे चचा खरीदे अताऊ, मैं बहुत दिनों तक बाऊ किसी दल में नहीं टिकाऊ, जब तक कि मिलेगा माल रखूंगा तेरा ख्याल, 25 करोड़ निकाल तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं, यदि हो सरकार गिराना आ मुझसे हाथ मिलाना, यदि हो सरकार गिराना आ मुझसे हाथ मिलाना, जब सत्ता में आ जाना तो मंत्री मुझे बनाना, जब सत्ता में आ जाना तो मंत्री मुझे बनाना, कर देना मुझे निहाल एक छोटा सा ये सवाल, 25 करोड़ निकाल तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं, मत मुझको समझ अनाड़ी बजे एक हाथ ना ताड़ी, मत मुझको समझ अनाड़ी बजे एक हाथ ना ताड़ी, तू पक्का घाघ जुगाड़ी मैं भी हूँ चतुर खिलाड़ी, तू पक्का घाघ जुगाड़ी मैं भी हूँ चतुर खिलाड़ी, मत समझ मुंगेरी लाल, मत समझ मुंगेरी लाल आश्वासन पर मत टाल, चल 20 करोड़ निकाल तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं, 25 करोड़ निकाल तेरा हो जाऊं, 25 करोड़ निकाल तेरा हो जाऊं। एक छोटा सा लोकगीत शीर्षक है समर्थ को नहीं दोस्त को साई। चौराहे पर दो तीन मनचले लड़के खड़े थे, एक लड़की निकली तो उन्होंने गंदी हरकत की, सीटी उटी बजाई, उधर पुलिस का नौजवान ड्यूटी खड़ा था, वो डंडा हिलाते हुए आगे बढ़ा उनकी तरफ। दो तीन लड़के तो भाग लिए लेकिन एक लड़का उसमें बड़ी दबंगई के साथ खड़ा रहा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने पूछा कि भैया देखो सिपाही आ रहा हो, तुम नहीं डर रहे हो नहीं भाग रहे हो, क्या कारण है? तो उसने क्या उत्तर दिया, यू सिपहिया का करी चाहे गारी दिया मारी, यू सिपहिया का करी इज्जत काहू कै उतारी, यू सिपहिया का करी, यू सिपहिया का करी, यू सिपहिया का करी, यू सिपहिया का करी,
नेताजी से हमरी यारी यूं सिपहिया का करी, नेताजी से हमरी यारी यूं सिपहिया का करी, चाहे गारी दिया मारी यूं सिपहिया का करी। छोटा सा पद है उसकी नजर में कि अगर बहुत जो हिम्मत करी पकड़ के कोतवाली ले जाई, बहुत जो हिम्मत करी पकड़ के कोतवाली ले जाई, कोतवाल पहचान के हमका सादर चाय पिलाई, कोतवाल पहचान के हमका सादर चाय पिलाई, जाने हमका सब अधिकारी यूं सिपहिया का करी, जाने हमका सब अधिकारी यूं सिपहिया का करी, नेताजी से हमरी यारी यूं सिपहिया का करी, चाहे गारी दिया मारी यूं सिपहिया का करी। तुमने कहा मान लीजिए जो कोतवाल तुम्हारे परिचित वो मौके पर नहीं हुई, दूसरा दरोगा हो गया तो तुम्हारी तो खातिरदारी हो गई हो जाएगी, तो उसके पास विकल्प होते हैं कि अगर अपरिचित हुआ दरोगा तो चालान बनाई, अगर अपरिचित हुआ दरोगा तो चालान बनाई, और बाहर से ही मिली जमानत तब जेल ना जाई, पापा हैं वकील सरकारी यूं सिपहिया का करी, पापा हैं वकील सरकारी यूं सिपहिया का करी, नेताजी से हमरी यारी यूं सिपहिया का करी, मंत्री जी से नातेदारी यूं सिपहिया का करी, चाहे गारी दिया मारी यूं सिपहिया का करी। कि थाना कोर्ट कचहरी मा सब भाई और भतीजा, थाना कोर्ट कचहरी माँ हैं भाई और भतीजा, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं मामा फूफा जीजा, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं मामा फूफा जीजा, ऊपर तक है पहुँच हमारी यूं सिपहिया का करी, ऊपर तक है पहुँच हमारी यूं सिपहिया का करी, नेताजी से हमरी यारी यूं सिपहिया का करी, मंत्री जी से नातेदारी यूं सिपहिया का करी। तो हमने कहा इसका मतलब तुम यूपीपी को सही से समझ नहीं पाए हो, तो हमने जो बताया तो लड़का बड़ी तेज वहाँ से भागा कि यूपीपी का विकट सिपाही अपने पर जो आई, यूपीपी का विकट सिपाही अपने पर जो आई, और चौराहन पर सर घुटवाई सोर्स धरा रह जाई, चौराहन पर सर घुटवाई सोर्स धरा रह जाई, दया है सातो पुरखा तारी यूं सिपहिया ना डरी, दया है सातो पुरखा तारी यूं सिपहिया ना डरी, भागई माँ है खैर तुम्हारी बेटा छोड़ो मस्करी, भागई माँ है खैर तुम्हारी बेटा छोड़ो मस्करी। अपने विधा से थोड़ा सा अलग हट करके एक नज्म पढ़ता हूँ। आलू, आलू इधर बहुत महंगा हुआ तो तरह तरह के प्रश्न खड़े हुए, तो नज्म का उन्वान है आलू, सुनिएगा। आलू के गरा होने पे इतना है क्यों मलाल, क्यों पूछती है मीडिया सरकार से सवाल, क्यों पूछती है मीडिया सरकार से सवाल, पूरा विपक्ष कर रहा है खाम खां बवाल, शायद इन्हें पता नहीं कुछ मंडियों का हाल, हर चीज का बाजार में बिगड़ा हुआ मिजाज, हर चीज का बाजार में बिगड़ा हुआ मिजाज, है कौन नई बात जो आलू है गरा आज, है कौन नई बात जो आलू है गरा आज, अरहर चना मसूर उरद मूंग और मटर, अरहर चना मसूर उरद मूंग और मटर सब थे गरम मसाले नमक तेल क्या शकर, चावल का पतीली में बहुत तेज था उबाल, गेहूं भी ले रहा था कई माह से उछाल, सबकी पहुंच से दूर थे मशरूम और पनीर, हमेशा थे सबकी पहुंच से दूर थे मशरूम और पनीर, इनको तो सिर्फ देश में खाते थे कुछ अमीर, भिंडी को अपने हुस्ने मुजस्सम पे नाज था, कड़ुआ करेला नीम चढ़ा रंगबाज था, कड़ुआ करेला नीम चढ़ा रंगबाज था, गोभी को हो गया था जवानी पे कुछ गुरूर, गोभी को हो गया था जवानी पे कुछ गुरूर, बैंगन को था सुरूर टमाटर नशे में चूर, लौकी हजार नाज दिखाती थी बार बार, कटहल को भी घमंड था कुवत पे बेशुमार, परवल था बस जुबान तो घुंया थी धारदार, कद्दू दिखाई देता बमुश्किल कभी कभार, बाजार में सब्जियां आला नसब की थी, बाजार में सब्जियां आला नसब की थीं, मूली प्याज की तो अदाएं गजब की थीं, मूली प्याज की तो अदाएं गजब की थीं, पालक को चढ़ रहा था कई माह से बुखार, आलू ही अपने भाग्य पे रोता था जार जार,
आलू ही अपने भाग्य पे रोता था जार जार, आलू ही अपने भाग्य पे रोता था जार जार। एक ऐसा नौजवान जिसकी नई नई शादी हुई थी चुनाव मैदान में कूदा, जब पर्चा खुले तो उसे 15-20 वोट मिले, तो पत्नी बिगड़ गई, बोली अब मैं ससुराल नहीं रहूंगी, मायके मुझे भेज जाओ। तो मैंने उससे कहा कि आपके पति देव इतने भारी बहुमत से पराजित हुए हैं, इसमें आपका भी कुछ योगदान होगा। तो झल्लाई हुई महिला क्या उत्तर देती, सुनेगा कि संया हरे 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 राजा हरे निरहु हरे बदनामी सारे गांव मा आग ला गए प्रधानी के चुनाव मा संया हरे हरे हरे। नई नई शादी होके आई चुनाव में लग गई कि गांव गांव ई घरन घरन हम सेवा टय मंगवाई, गांव गांव ई घरन घरन हम सेवा टय मंगवाइन, द्वार पर निकसी ना कबहू गली गली दौराइन, छाला पर ये हमरे गोरे गोरे पाँव मा आग ला गए प्रधानी के चुनाव मा संया हरे हरे हरे। दूसरी झल्लाहट के लोगों पे है कि मोहर माजो घुसै न पावे बैठे घर के भीतर, और भौजी भौजी कह बेलहरावे द्वारा डारे हम पर ठेलुहा, ठेलुहा आगे पीछे लागे हमरे दाव मा आग लागे प्रधानी के चुनाव मा संया हरे हरे हरे। इतना बड़ा ये फैसला क्यों ले रही है कि मैं अपने मायके में रहूंगी ससुराल में नहीं जाऊंगी। होता है कि लोग हारे हुए प्रत्याशी चढ़ाते हैं, मेरा मानना उनको नहीं चढ़ाना चाहिए, खास करके पत्नी को बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो कोई भी महिला ऐसा निर्णय ले सकती है कि प्रधान कहे हमें चिढ़ावे जीना होगा दूभर, रमपुरवा का छाड़ के मनपुरवा माँ बनवे बे घर या तो मम्मी संग रही बे उन्नाव माँ आग ला गए प्रधानी के चुनाव माँ संया हरे हरे हरे। तो हमने उस प्रत्याशी से पूछा कि भैया जो तुम्हारा कोई जनाधार नहीं था तो क्यों चुनाव मैदान में कूद गए, अब तुम्हारा देखो बना बनाया घर बिगड़ रहा। तो उसने क्या उत्तर दिया कि हम अपने आप चुनाव नहीं लड़े हैं, कि हम का बहु खल औ बहु झड़ फसाए दीन हो, कुछ गजोधर भी पानी चढ़ाए दीन हो, इलेक्शन में हम का भिड़ाए दीन हो, हम न लड़ते हम न लड़ते ईठ लुहा लड़ाए दीन हो, हम न लड़ते ईठ लुहा लड़ाए दीन हो, कि गांव मा खूब टम्पू इहाई किहिन चार लुच्चा लफंगा समर्थन दीन, मरी काटे फिर लुटिया डुबाए दीन हो, हम न लड़ते ईठ लुहा लड़ाए दीन हो, हम न लड़ते ईठ लुहा लड़ाए दीन हो। गांव में जैसे सुगबहाड़ होती चुनाव की, तमाम लोग दरवाजे पे आते हैं, कौन कौन आते हैं उनका क्या फायदा होता है, कि होती संझा का द्वारे पै जमघट जुटे खूब दारू छन रोज मुर्गा कटे, नासी पीटे पी के नसाए दीन हो, हम न लड़ते ईठ लुहा लड़ाए दीन हो। ऐसे प्रत्याशी के लोग शुरू में हैंडल लाइन कर सकते हैं, जिसके दरवाजे पर जाता है एक ही उत्तर मिलता है उसको कि गांव मा जही के घर वाट मांगई गयन, ऊ कही जाओ निश्चिंत तुमहेक दिहन, बादी मा सारे मिलके हराए दीन हो, हम न लड़ते ईठ लुहा लड़ाए दीन हो, हम न लड़ते ईठ लुहा लड़ाए दीन। एक ऐसे प्रधान जो बेचारे अगले चुनाव में चुनाव नहीं लड़ पाए, उनकी प्रधानी चली गई, पढ़ता हूँ तो उन पर क्या बीत रही है। इसमें एक नाम आ गया है, इस नाम का कोई अगर सुन रहा हो उसके समीकरण मिल जाए तो मुझे क्षमा करेगा, पद नाम दोनों सिंबोलिक हैं, कोई दूसरा भी पद हो सकता है, वो पद लाभ का जो जनता देती है उससे अगर कोई गलत लाभ कमाता है और फिर वो चला जाता है तो क्या दिक्कत होती, सुनेगा कि बताओ रम जानी अब का करियो, बताओ रम जानी अब का करियो, बताओ दिल जानी अब का करियो, चली गई प्रधानी अब का करियो, चली गई प्रधानी अब का करियो, अपने ही भैया
भतीजवन की मान्यो, जनता का दुख दर्द कबहू न जान्यो, कि ये हो मनमानी अब का करी हो, चली गई प्रधानी अब का करी हो, नाली खड़ंजा नरेगा में खायो, पहले की तलिया को फिर से खोदायो, भरायो नहीं पानी अब का करी हो, चली गई प्रधानी अब का करी हो, आलू और रोटी का मुँह ना लगायो, तहरी और खिचड़ी तो अब लो न खायो, उड़ायो बिरयानी अब का करी हो, चली गई प्रधानी अब का करी हो, मिली है ना अब आंगनबाड़ी की दरिया, खाए खाए जहिका मोटान रहे पड़िया, भैंसी दुबरानी अब का करियो, चली गई प्रधानी अब का करियो, बताओ रमजानी। तो रमजानी मियाँ का दर्द ये था, उनकी प्रधानी इसलिए चली गई कि गांव में महिला आरक्षित सीट हो गई, तो बहुत सी महिलाएं चुनाव मैदान में आ गई, शादीशुदा होते नहीं तो पत्नी को लड़ा देते, तो बहुत सी महिलाएं चुनाव मैदान में आई, कौन सी महिलाएं चुनाव मैदान में आई, उनमें से कौन सी महिला जीती और क्यों जीती, एक छोटा सा गीत और। कि मन क्वारा मौसी जय क्वारा पार्वती जगरानी, भूधर की काकी रंधर दुल्हन बैजू की नानी, खड़ी रहे महिला प्रत्याशी एक से एक सयानी, भौजी ने जीत लई प्रधानी। कि महिला सीट हुई आरक्षित भय बिलाक मा चर्चा, जोधे दद्दू तुरंत भराइन भौजी कन्या पर्चा, और गन्ना गोहूं धान बेच कर किहिन खूब हुई खर्चा, और रहे जलम के सूम इलेक्शन मा हुई गे मुल्दानी, भौजी ने जीत लई प्रधानी। यहाँ से चुनाव शुरू करता हूँ, जीत के कारण बताता हूँ। जीत का कारण नंबर एक, कि जब लो रहा इलेक्शन लागी गांव भरे की भौजी, वर्कर बने सातमा घूमे सब देवर मन मौजी, हुए पसोए जागे 24 घंटा औजी औजी, और चाय नाश्ता हुए पसूतिन हुए पे खाना पानी, भौजी ने जीत लई प्रधानी। उन्होंने कन्वेंसिंग कैसे की, कि डगर घाट जो मिले बटो ही कन्वेंसिंग हुई झारे, कांधे से अचरा सर कह तो घूंघटा बीच निहारे, और कजरारे मतवारे नैनन से जब जादू डारे, और कजरारे मतवारे नैनन से जब जादू डारे, वह वोट पक्का समझोए जिसे देख मुस्कानी, भौजी ने जीत लई प्रधानी। तीसरा कारण, कि हलवा पूरी खीर मिठाई गांव भरे माँ बाटिन, 12 बकरा 14 भेड़ा 200 मुर्गा काटिन, और जे देसी के रहे पियक्कड़ अंग्रेजी वही डाटिन, और फोकट की दारू पी पी कर खूब छकिन बिरयानी, भौजी ने जीत लई प्रधानी, भौजी ने जीत लई प्रधानी। इन कारणों को वो प्रत्याशी उन प्रत्याशियों ने हार नकार दिया जिनकी पत्नियां चुनाव हार गई थी। उन्होंने क्या बताया कि गांव भरे माँ टम्पूहाई अब भौजी का दिखले, ये हारी चुनाव उनके ना मनई घर से निकले, और कहें महतिया काह बताई लुटिया थरिया बिकले, और हार गई तब हूँ मन क्वारा ऐस भई बेमानी, भौजी ने जीत लई प्रधानी। प्रधानी स्पेशल में कुछ अपने प्रधानी पे गीत पढ़ा जा रहा हूँ। सबसे पहला गीत जो हमने लिखा था वहीं से शुरू करते हैं। एक प्रधान जी ने 5 साल तक प्रधानी चलाई, उसके बाद अगला चुनाव जो हुआ तो उन्होंने पर्चा नहीं दाखिल किया। घर गए तो पत्नी ने भोंटाटा बोली पर्चा क्यों नहीं दाखिल किया, तो उन्होंने कहा इस बार मेरा मन राजधानी में जाने का है, मैं MLA MP का चुनाव लड़ूंगा, प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। पत्नी बहुत होशियार थी, उसने समझाया कि तुम्हारी प्रधानी बहुत बढ़िया है, इसी को चलाओ, तुम्हें राजधानी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनेगा कि जाए करी हो का तुम राजधानी माँ, जाए करी हो का तुम, जाए करी हो का तुम राजधानी माँ, मजा मारो बलमुआ प्रधानी माँ, मजा मारो बलम जी प्रधानी माँ, योजना या नरेगा की फूले फले साल माँ लाख 2 लाख घरहन मिले,
खेत खरिहान शमशान मरघट का जब ज्योति परती जमीनन का खर्चा चले मिले हलुआ पराठा गरानी माँ मिले मुर्गा बिरयानी गरानी माँ मजा मारो बलम जी प्रधानी माँ मजा मारो बलम कि दुई भले चार नंगा दुआरे पजब आवे मुंशी तिलंगा दुआरे पजब हो जाए का फिर जरूरत हरिद्वार की बहे दौलत की गंगा दुआरे पजब बहे दौलत की गंगा दुआरे पजब मिली भेड़हू का बकरी निगरानी माँ मजा मारो बलम जी प्रधानी माँ मजा मारो संवरिया प्रधानी माँ। अब सुना है समझाती कि यहाँ से ज़्यादा हालत वहाँ खराब है, तुम राजधानी चक्कर में ना पड़ो। कि अब सुना है सदन माँ भी जूता चले गेस्ट हाउस माँ अब तो विधायक पिटें जाए वाला है कौनो सभा माँ नहीं का पता के घरी पर कहाँ बम फटें है लगी चारुवर आग पानी माँ जाए करियो का तुम राजधानी माँ मजा मारो बलमुआ प्रधानी माँ मजा मारो संवरिया प्रधानी। आपने फारूक सरल की कविताओं को सुना। अगले रविवार फिर मिलते हैं वरिष्ठ कवियों की नई रचनाओं के साथ। देखना ना भूलें आई इंडिया का ये खास कार्यक्रम काव्य दर्शन। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।